इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनके प्रोफाइल है, जो उनकी काबिलियत है, वो अनमैचेबल है। हमारे पास इस वक्त क्या सोच के लोग वोट दें इमरान खान को, वो सोच के ये वोट दे। सो मैं आपको बता रही हूँ, इम्तियाज आवाम ये सोच के वोट देगी कि आज हमारे मुल्क में पर कैपिटल डेट जो है वो 72,000, आपको पता है मक्रूज है 72,162 रुपीज के। आप भी मक्रूज है, मैं भी मक्रूज हूँ, ये भी सब मक्रूज है, एक एक बंदा मक्रूज है। जो बच्चा पैदा होता है ना वो भी मक्रूज है 72,162 रुपीज का, जो कि बढ़ के अभी होने वाला है, मैं आपको बता दूं 1,45,000 पे जाने वाला है। हम सब मक्रूज हो रहे हैं। ये आप देख लीजिए ग्रोथ कहां से 40,000 से 72 पे आप पहुंच गए 35,000 से, ये दिया है हमको। इसके बाद आप इन्फ्लेशन देख ले कहां से कहां, पंजाब के अलावा आप हैं कहां, आप ये देखिए आपको बता रही हूँ आपके लिए लोग क्या क्यों हो ना, मेरे में लोग आप हैं कहाँ, इम्तियाज आपका ये सर्वे लोग कितने देखते हैं, पढ़ते हैं, पॉलिसी देखते हैं, ये सर्वे नहीं है, पॉलिसीज देखते हैं, कितने पढ़ते हैं, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट आपको पता है। बात सुनिए, मैं आपको सब बता रही हूँ, ये सर्वे नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमारे मुल्क के अंदर है वो इस वक्त रवांडा के बराबर है, हम सूडान से भी पीछे तालीम में, क्या आप जानते हैं ये बात, सूडान से भी हम पीछे। ये जो BBSY बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो जिसके नाम पे इन्होंने इतना पैसा आगे पीछे हुआ है, आज अमेरिकन ये USAID है उन्होंने मना कर दिया हुआ है, वो नहीं पैसा देने को तैयार। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई ऑडिट नहीं है। आप देखें अवाम ये चीजें देख रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिला, ना अवाम को बिजली है, ना अवाम को रोजगार है, ना अवाम को महंगाई कितनी है, कौन अवाम जो है वो तब्दीली चाहती है। इमरान खान साहब को अवाम इसलिए देखती है कि ये दो जमातों को आजमा चुके हैं, 4.5 साल में इन्होंने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके पास भी वही बेटे जो आजमाए हुए हैं सर 25 साल के बाद, इसकी टीम कैसा, 25 साल की बारी की सियासत अवाम देख चुकी है। इमरान खान की जो लीडरशिप है, असल चीज मैटर करती है लीडरशिप, इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर इनकी पूरी जमात आ जाए, मैं कहती हूँ दावे के साथ जो है वो मुल्क तरक्की कर लेगी, लीडरशिप की बात होती है। ठीक है सर, तो कहा जी चिंता करप्ट ना है गवर्नमेंट था तो मां यो कोने सोच तुम मिनिस्टर है कभी तो इल्जाम हणन था जी पांजो जको आए जे जको जाम साहब पांजो जको यूसुफ तालपुर साहब आए जी अहमदा जको आता जो शाह साहब आए ये एक बे ते इल्जाम हणन था त लेकिन उन पैसा खाई हो उन ता जा पान मिनिस्टर्स एमएनएस एक बे ते इल्जाम करप्शन जा हणन था बियो मन तो चोंदो जो उन जा लोकल मान मसला है इख्तलाफ पर इल्जाम आता है ना जंग में मोबस हंदी है उन जा जिस ते के मामला है उन जे ला कमेटी ठई है उन्होंने गाली बुधी हुई थी उनमें हकीकत अच्छा ना है वो जुदा चैप्टर है इन साइड पार्टी जो मामलो है बाकी जितने कदर डिलीवर जो तालुक है तो पहली गाल तो पहले ही चुके जो मुल्क की जो सूरत हाल है वह कें खा भी कुछ को एक जैन सर्कमस्टेंस में मुल्क या जमहूरी जो सिलसिलो शुरू थो उन वक्त वार या टेरर वाली सूरत हाल असा गिची में पयल हुई अग में जो मुशरफ के दौर में हुए उनके यकीन कंटिन्यूटी का सवा बो को रस्त को मुशरफ तो ये वो वो गाल उठ पटांग गाल क्यों सवात मला चवे सरकमस्टेंस में हुकूमत मिली उन्हीं सरकमस्टेंस में मिली ना वार एंड टेरर अग में हो ना अच्छा उन्हीं के फेस बड़ा डिजास्टर आया चैन साल वा डिजास्टर 2010 2011 में जैमें करोड़े मानू मुतासर थे हाँ इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या बया है वो लाहौर मौका तो भी वा वा बयान कढ़ आसान कम पर मानों के भरझलो कर जाहिर थो वरी भी पीपल्स पार्टी हुई उनका नुमाइंदा हुआ उनका वर्कर हुआ जो अवाम से गड हुआ यो अवाम समझे तो ये तो वही बाहर वही गाल कर तमाम आसान गाल है ना गल बुरा कुछ न थो यकीन मानू जो बोहरान में आया तकलीफ में आया उनके एज इट इज उनके घर तो कौन सही मौसम सियासी बोरान भी अभी भी आए ना मां वो चाहे भी आए ना अदालत बोरान भी आए तो माता बुधा उन्हीं करे उनका अलावा दिसो ना इनमें बिन बिन किस्म जा इन गवर्नमेंट में जेके कारनामा थिया एक आईनी तरह ए बियो जो को माशी नमूने सामान जी मदद कर आईनी तरह छा थियो आईनी तरह 18th अमेंडमेंट जाहिर गला यो दिसो कंकर्ड लिस्ट जो खात्मे जो को वायदो थेलो वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन वक्त थे लो पर बदकिस्मती साहब भुट्टे साहब के 10 साल कौन मिला 10 साल में खत्म थो कंकर्ड लिस्ट वो हाँ वही थो इन गवर्नमेंट में उनके अगर विच में माहौल पैदा कौन थी हाँ इन्हें एकड़ो साल था सप्लीमेंट्री एकड़ो साल एकड़ो 18th अमेंडमेंट के तहत जेके एजुकेशन जा पावर से यूनिवर्सिटी वाइस चलन था वो तो सीएम वट हो जन खपे गवर्नर वट छो
ॾिसो कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके अञा हल तलब आहिनि उहे थींदा पर स्टेप्स कुझु स्टेप्स कॉम्प्रोमाइज़ छो था कयो अमेंडमेंट को मामूली ॻाल्हि सूबनि खे मिलिया आहिनि ऐं उनखां अलावा नेशनल फाइनेंस कमीशन टालपुर साहब शाह साहब पाण में इल्जाम तव्हांजा इत्तेहादी वेठा आहिनि उहे बि चवनि था गवर्नमेंट नाइल करप्ट आहे गवर्नमेंट डिलीवर नथी करे ॿियूं पार्टियूं कनि था हिकिड़ी ॿी शइ छो था कनि तव्हां सां गॾु हूंदे ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक नादरीन क्या गवर्नमेंट टाइम बाय करना चाह रही है अदालत से खत नहीं लिखेगी जैसे इन्होंने कहा दूसरा इसकी गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं इनके साथ है इल्जाम भी लगाते हैं करप्शन हत्ता के इनकी पार्टी के अंदर यूसुफ टालपुर एमएनए बहुत ही पुराने उनके इनके एमएनए भी हैं लीडर भी हैं इनके कारकुन भी दूसरे अली मर्दान शाह इनके मिनिस्टर भी हैं एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ये गवर्नमेंट का स्टेटस है आज का क्या लग रहा है जब वोट लेने जाएंगे या अदलिया की कोई कन्फ्रंटेशन होगी इसके सब जिम्मेदार है ना इत्तेहाद इम्तियाज इसमें इत्तेहादी बिल्कुल जिम्मेदार है मैं ये कहती हूँ कि देखिए अब आप पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग नून की अगर आप मिसाल देख लें जो अपने आप को एक बड़ी जमात कहती है और हमेशा स्टेटस को की जो जमात रही है तो आप ये देख लें कि उनकी भी पुअर गवर्नेंस फेलियर और सारी चीजें अवाम के सामने आ चुकी हल क्या है ये तो ये वही मैं आपको बता रही हूँ अदलिया की कन्फ्रंटेशन कैसे खत्म हो देखिए जब बिल पास होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो फिर खामोश हो जाती है नून लीग की दैट मीन्स ये दोनों देखिए दोनों जमातें एक है इंटरिम गवर्नमेंट में एक हो जाते हैं अठारहवीं तरमीम में एक हो जाते हैं बीसवीं तरमीम तरामीम में ये जमातें एक हो जाती हैं इनके इंटरेस्ट एक हैं एनआरओ साइन करके साथ साथ आए भाई भाई थे नवाज शरीफ साहब ने यहां तक कहा था आसिफ जरदारी साहब को जब आपको अगर पीपल्स पार्टी भी छोड़ दे तो मैं आपको अपने साथ मिला दूंगा ये तो बात ऑन रिकॉर्ड है और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार में जाके कहा कि मैं आपका मिशन पूरा करूंगा वो बात अलग है कि उन्होंने जिया के भी कब्र पे जाके कहा था कि मैं तुम्हारा मिशन पूरा करूंगा लेकिन मकसद ये है कि ये जमातें जो हैं ये दोनों दोनों जमातों की अगर आप हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक कर लें इनकी गवर्नेंस चेक कर लें इनकी परफॉर्मेंस चेक कर लें तो दोनों में आपको 19-20 का भी फर्क नजर नहीं आएगा दोनों जमातों ने वो काम किए जो आवाम को हमेशा इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया रिलीफ के नाम पे इन्होंने आवाम को जिस तरीके से लूटा है वो अपनी मिसाल आप है आज आप ये देख लें वहां पे सस्ता तंदूर के नाम पे लूटा येलो कैप स्कीम के नाम पे लूटा लैपटॉप के नाम पे लूटा 65% पे हुकूमत कर रहे हैं सीएम पंजाब 17 कैप सर पे करके बैठे हुए हैं 17 पोर्टफोलियोज लेकर बैठे हुए वहां पे वो मिसाल कायम करें यहाँ पे सिंध में अलग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें कितनी खराब है लियारी में दोबारा से ऑपरेशन होना शुरू हो गए अपने ही इलाके इनको बार बार नजर आना शुरू हो जाता है तो ऑपरेशन देखिए ये आप पिच का ऑपरेशन किसने कराया आज तक इन्होंने उस चीज को क्लियर किया है कि क्यों किया था क्यों नहीं किया था उसमें जो लोग मारे गए थे बात ये है कि देखिए सिंध हो या टारगेट किलिंग देखें लॉलेसनेस देखें यहाँ पे क्या हालात हो गए हैं मुल्क के आप छोड़ दें आप बलूचिस्तान पे चले जाएं मैंने जैसे कहा मिसिंग शुदा लाशें मिसिंग पर्सन और उसको छोड़े नेटो अटैक कौन सी चीज में ये लोग जो है इन्होंने चिल्ला के नून लीग क्यों नहीं चिल्लाई आज सामने आके चलाए तो ये दोनों जमातें एक हैं अवाम को चेंज चाहिए अवाम को तब्दीली चाहिए अवाम को इनकलाब चाहिए ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इनकलाब के नाम पे अवाम निकली थी घरों से बाहर वही अवाम आज भी घरों से बाहर सही है जैकी सूरत हाल मुल्क के अंदर उन जिम्मेदार तवां है वो बिल्कुल जो भी हर कहीं पंजो ओपिनियन भली चवन बल्कि असल में जो भी तनकीद थे थी पहिरीं थियो तनक़ीद करण त तमामु आसान कमु आहे असुल में प्रैक्टिकली जेकॾहिं अमल जे मैदान ते जेके हूंदा उन्हनि खे हालात जी ख़बर हूंदी गवर्नमेंट जे हूंदे जेके बि माण्हुनि खे मसाला हूंदा जेकॾहिं हल थिया हूंदा कुझु हल तलब हूंदा कुझु हल न थिया हूंदा त पर हिकिड़ा माण्हू उहे जेके रियलिटीज़ जेके हक़ीक़तनि खे सम्झंदा आहिनि या उन ते उहे कुझु जेके उहे इक़दाम जेके हुकूमत जा मुसबत हुजनि उन्हनि जी वाखाण ज़रूरु कंदा जेके न थिया आहिनि उन ते तनक़ीद करण अपोज़िशन जो कमु आहे गवर्नमेंट एक सवाल अपोज़िशन इस वक़्तु कोन बनी हुई आहे
मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें तो सही मानों में अपोजिशन तो हम किरदार निभा रहे हैं, हम बता रहे हैं अवाम को, हम झंझोड़ रहे हैं हुकूमत को कि भाई आप क्या कर रहे हैं। रेंटल पावर स्टेशन में जो सबसे बड़ा टारगेटेड पर्सन जो नाम है, जिन पर इल्जाम है रेंटल पावर स्टेशन का, आज उनको आपने वजीर इमरान खान भी तो देखो ना, एजेंसियों के घोड़े हैं ना, वो भी एजेंसियों के घोड़े हैं यार। मेरी बात सुने, ये किस तरीके से आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी कहा, मैंने सोच समझ के किया है, स्ट्रगल की है। हमें अवाम वोट देगी तो हम आएंगे, हम किसी के कंधों पे चढ़ के आने वालों में से नहीं है। एजेंसी की जहाँ तक आपने बात, एजेंसियों की सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, हमें किसी एजेंसी की सपोर्ट नहीं है, हम अवाम की सपोर्ट से आ रहे हैं, हम अवामी पार्टी है। और हम ये जानते हैं कि एजेंसी की सपोर्ट से अगर कोई आया था तो हमें पता है कि नून लीग आई थी, हमें पता है कि ज़ियाउल्लाह के गमले में पलने वाले पौधे जो है वो बैठकर वजीर आजम बन गए, नवाज शरीफ जैसे लोग, और फिर उसके बाद जो ज़ियाउल्लाह के दौर में सीएम थे, जिनको ज़ियाउल्लाह ने कहा, जो ज़ियाउल्लाह के दौर में मिनिस्टर थे, जो वजीर मिनिस्टर थे आपके साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, उनको वो प्रूव हो गए ना काम करके। आप लीडरशिप की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप। मेरी बात याद रखिए इम्तियाज, आपने करना वो है जो आपके चैनल के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कहेंगे, आप उनके खिलाफ आप भी नहीं जाएंगे। नहीं, आपको पता है जो रियलिटी होगी मैं वो बताऊंगा। आपको पता है कि आपका, अगर आपको पता है कि आपके प्रोड्यूसर लेकिन इम्पोर्ट, अगर आपको पता है आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपसे गलत काम करवा रहे हैं, कोई फर्ज कीजिए तो फिर आप करेंगे नहीं? आपको पता है कि वो आपसे ऐसी गुजारिश नहीं करेंगे? नहीं, कभी इसी नहीं। तरीके से यहाँ क्रेडिबिलिटी इमरान खान की सब जानते हैं कि खान, देखिए आमिर के साथ हर किसी ने काम किया है, आपने भी रेफरेंडम पे काम किया, लेकिन हमारे काम किया ना, आपने साथ दिया ना, 7 पॉइंट्स के ऊपर पीछे हट गए थे। ठीक है मैं आता हूँ। संकेत थोगड़ा है गवर्नमेंट के जुडिशरी के का अड़ी ताकत है, अज भी चाहे थी निजाम ता हमेशा चो था साजिश केर थो साजिश कर जो नालो वटो पहली गाल ये तो मां इन गाल जो ताके बुधाया तो असा जो जुडिशरी सा कैंप किस्म जो टकराव को ने असा हमेशा टॉलरेंस को कम वतो जुडिशरी जो एहतराम कयो यो एकड़ो परसेप्शन खत लिखण ना भी तो एहतराम ना है ने खत अचन सिर्फ एहतराम ना खत लिखण आई नहीं मसलो असा जो कोफा आइन में इम्यूनिटी मिलेला प्रेसिडेंट के असा को आइन देखो चीफ जस्टिस के तवा तो पीसीओ चौधरी यो एहतराम था क्यों ना पीसीओ ना सुना था हां अरे जकरे चौधरी यो एहतराम असा जो एहतराम के होता पर पीसीओ तो हलफ खा ना पीसीओ चौधरी चोगो ना असा कोन था जो पर पीसीओ तो हलफ खा ना अभी कहां मुशरफ के वर्दी सा इलेक्शन वेट दी इजाजत हो दी है या की कर रहा ना पर कहां वो कोई एहतराम ना वो एहतराम ही हुआ जो उनका जेके फैसला थे सब मनो मन उनके तस्लीम के हुआ सभी अमल दरामद हुआ ये तो कुछ वो मने थोड़ा परसेप्शन यो के 28 साल कोडी खत कोन था लिखो साईं या कछ तो चाहिए खत जो तो समझो मौको कश्मा कशाए खत जो तो समझो आज पो अभी चाहिए छरो है ना अभी चाहिए छरो हां लिखता था ना हां सुन छो टाइम भाई छो के टाइम छो तो देखो ना उनमें को उनके चयो गयो तो भाई ठीक है असा के टाइम खपे छो ना खपे और उन्हें टाइम तो है तो प्राइम मिनिस्टर है पर क्रिमिनल जो के मान होता है केस में वो टाइम वरदान भी तारीख वरदान पर ना है लिखो ना देखो लिखो ही ना है वो खबर है देखो ना जुडिशरी के खुद खबर है यो इन्हीं तरीके से खुद जुडिशरी के पोजिशन के उन्होंने मानून डैमेज किया जेके जुडिशरी के पोया बाहर भी अंबोचू हणन था तो फैसलन ते अमल नथो नथो थे फैसलन ते अमल के हाने नवाज शरीफ हा उनका केतरा केस सुप्रीम कोर्ट में पिया है जेके हाने जा ना है के ना विरहन जाए ए जो उन मेरा बैंक स्कैंडल है या असगर खान केस है उन्हीं में तो आयशा जा जेके सरबरा हन उहे थी पान ध्यान दे रहे हैं तो वाकई ये पैसा उनके असा दिना है ए आईजीआई जेका ठहराई से पीपल्स पार्टी के ब्लॉक करने के लिए उनके डैमेज करने के लिए उसे तो हाँ ये अड़े किस्म का एविडेंस भी सामोन पर उन्हीं जा अली का असर सा लगता दिया ताने खिलाफ वो मार्केट गाल कर अदलियत मासाइड हाँ मैं तो ताक बता इन मुल्क की हिस्ट्री रही है इनमें जो अदलियत की तारीख है वो ताबनाक रही है हाने जी ना है जगह दिसो ना भुट्टे साहब जो केस है अदालती मर्डर हाँ यो ना तो असा खुद जजन किताब लिखे हुआ एतराफ करवा तो सजाओ लोग यो इन्हें को अधिक जुल्म को थी से सुप्रीम कोर्ट ही करे ऐ जेके भी मार्शलाओं लगी हुई नजर है जरूर तो सब नहीं के कबूल के हुआ इवन है असांजा कुछ जज सगोरा जीरा बैठा है मरी नव्या निकला अग में मरी गया जन मुशो के वर्दी सुधो केड़े का आनी तय तय कानून तय सी दुनिया है राना हाँ इन्हीं ते मुतनाजा मानो जे जुडिशरी ते अंगरियों खड़न था असा पज हलकन में असा मासेस जा मानो ड्राइंग रूम जा मानो ना हो असा वर आम मानो वोटर आ तो वो असा को पूछे तो सिर्फ पीपल पार्टी के छो टारगेट बनाए बैठो अदर या केसेस को ने ए उन खाला वा एक सिर्फ पॉलिटिकल साइड ते जेने मेमो कमीशन जो मामलो थे तो नवाज शरीफ पन्नो खणी में तो वो काबिले कबूला
स्पीकर रूलिंग केस थे तो वो खड़ी तो वो जज वो काबिले कबूल नून लीग वाला बाहर पा खुद चौदह जज अस खीसे में पैन जी चौन थी यह जजन की बेहरमति ना है यह जजन की अस मू तनकीद था कन जन जजन के लिटरली वही कुटो कोर्ट में नवाज शरीफ उनके टीम जस्टिस सजाद शाह जीरो पुछो तुम हाल क्यों अथन अस बब थे जस्टिफाई कर वकील वो प्राइम मिनिस्टर वे उनके बुधायूं था आइन के या हा आइन में तरमीम जी 18th अमेंडमेंट आई 19वीं तरमीम आई 20वीं तरमीम आई उन्हीं में खड़ी अचन हा तो प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी आइन में न मिलनी अच्छा पहली गाल पैरों भी ये केस फरसूदा केस जेके नवाज शरीफ इंतकाम तौर दाखिल क्या जो सैफरामान अची आसिफ अली जरदारी साहब को पेरे पी माफी हो तो माँ के भी मेड़ वी आयो माँ के भी गड वी आई हामिद मीर जो जियो जो नुमाइंदो प्लस बया अटक जो जाते कोर्ट हल्दा उतने अची सभी साफन के सामू पेरे पे रोई माफी वरताई आसिफ साहब मथे दिखो कुआरी बीठी अची हे कहरा चे मेरी अम्मी है मैं अम्मी को भी लेके आया हूँ नवाज शरीफ ने मुझे इस्तेमाल किया ये आपके ऊपर सारे हमने गलत मैं आज पछता रहा हूँ आपसे माफी ये ओपन गाल है ये ओपन सीक्रेट गाल ठीक है गवर्नमेंट भी असल के खिलाफ साजिश थे थी जमहूरियत के खतरो आ जमहूरियत के खिलाफ साजिश थे थी छा हुकूमत जेकर खत लिख दी छा उन जमहूरियत वेंदी हली आपका इम्तियाज आप ये देखें कि जमहूरियत के नाम पे 4.5 साल में इन्होंने जो कुछ किया क्या ये जमहूरियत में होता है जमहूरियत का मकसद होता है डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल इन्होंने मैंडेट लेकर ये कहते हैं हम आ तो गए ठीक है लेकिन आपने अवाम के साथ जो मजाक किया है आज आप ये देख लें कि मुल्क को जिस हालात में पहुंचा दिया है ये आप मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता सकती हूँ हमारी जीडीपी कहाँ चली गई है आप ये देख लीजिए कि हमारी जो है वो स्टेटस को की वजह से इन्वेस्टमेंट कहाँ चली गई है हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है ट्रांसपेरेंसी है नहीं आपके पास कोई भी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप ये देख लें कि आप इसको जमहूरियत कहते हैं आप इसको जमहूरियत कहते हैं कि आप आवाम को तो एक तरफ देते जाए महंगाई बेरोजगारी बदउनमानी करते जाए और उसके बाद आप गिर के पूछते नहीं होती है ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होती है मंजूर वसान चे तो खत लिखो वो गवर्नमेंट चे थी खत न लिखो अवामी मसला हल केर कंदो न गवर्नमेंट न ऑपोजिशन सिर्फ सियासत पंजे जाती मुफादन के लिए अवाम बेयारो मददगार इन सा गुज इम्तियाज में इजाजत।